हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, UPNHM के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए यह काफ़ी बिगेस्ट न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि आप सभी स्टाफ नर्सिंग की, ANM की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मिस्ट की, इन सभी पदों की जो प्रोग्राम वाइज की जो है वेटिंग के लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब 17,000 प्लस से जुड़ी हुई पदों पर कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आ पा रही हैं जो उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की जो अपडेट मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। क्योंकि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उम्मीदवार जो हैं UPNHM की 17,000 प्लस की जो पोस्टें हैं वो वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोस्तों, आप सभी के सामने 10,000 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली जाएंगी यहाँ पर जो है NHM के अंदर। दोस्तों, वो कौन सी होंगी और इसके बारे में आपने अपडेट भी यहाँ पर सुन लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर UP SSC की तरफ से दोस्तों काफ़ी बड़ी पोस्टों की यहाँ पर जो है नियुक्ति निकाली जाएगी दोस्तों इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों, क्या वेटिंग वालों को इससे कोई इसी तरह का कोई लाभ है या उनके लिए हानि है, क्योंकि लगातार उन उम्मीदवारों को अपनी वेटिंग के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले इसी सप्ताह में इस बार जो है उम्मीदवारों को अपनी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग एक अच्छी जो है न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, कैसे मिलने वाली है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी सप्ताह आप सभी अपने जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए बुलाए जा सकते हैं और एजेंसियां द्वारा जो डाटा है वेटिंग लिस्ट की वो यहां पर जारी कर दी जारी भी हो सकती है, और हो सकता है कि अप्रैल माह में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जो यहां पर जो उम्मीदवारों की मांग है उसे पूरा किया जाए और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया भी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी अपडेट निकल कर आ पा रही हैं, क्योंकि दोस्तों जब से UP SSC की जो 10,000 से अधिक यहाँ पर जो है भर्तियाँ निकलने वाली हैं उन चीज़ों को लेकर दोस्तों, यहाँ पर संविदा कर्मी की जो भी वैकेंसियाँ थीं उसके रिगार्डिंग उम्मीदवार छोड़कर अब जो है अपनी इस वैकेंसी के अंदर तैयारी करने भी यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके कारण उम्मीदवार यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी डॉट पॉइंट नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दोस्तों, जो उम्मीदवार डॉट पॉइंट पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर वो उन जो सुविधाएं हैं उससे नासंतुष्ट होकर भी इन पदों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र तो दे दी गई है पर डॉट पॉइंट है वो अभी तक कंफर्म नहीं की गई है, क्योंकि उस जगह पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का एरिया चल रहा है, उनके यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन चीज़ों को लेकर, और काफ़ी सारी चीज़ों को लिए यहाँ पर जो है अभी भी तैयारी चल रही है। तो इसके कारण उम्मीदवार जो है यहाँ पर जो है नई वैकेंसियों में भी जुड़ रहे हैं, और 2024 में आपने UP के अंदर और कई अन्य राज्यों के अंदर भी आपने यहाँ पर जो है फार्मिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, स्टाफ नर्सिंग की, ANM की, कई सारी प्रोग्राम वाइज की जो है पोस्टें भी और अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट की भी जो है यहाँ पर जो है उम्मीदवारों ने फॉर्म फिल किए हैं जिसके कारण वो छोड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर दोस्तों, पर जितने भी डॉट पॉइंट हैं वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, इसलिए अभी तक वहाँ पर वो उम्मीदवार अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं, पर दोस्तों जल्द ही नियुक्त भी वो सारे चीज़ों जो है यहाँ पर कर दिए जाएंगे। पर दोस्तों, जो वेटिंग की बात है वो कब तक है और यहाँ पर कितने नंबर पर उठाया जाएगा, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों का यह कमेंट आ रहा है कि सर कितने नंबर पर उठाया जाएगा। तो मैंने दोस्तों आप सभी को कहा है कि वेटिंग वाले जितने भी हैं उन सभी का लिस्ट में नाम आने वाला है, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम वाइज में है उन सभी का लिस्ट आएगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है कई जो यहाँ पर जो है एजेंसियाँ हैं जो इन चीज़ों को आगे कर रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर, और उम्मीदवारों को आचार संहिता से किसी तरह का कोई भी यहाँ पर जो है हानि नहीं पहुँचेगा। तो उसी तरह से दोस्तों, जो 17,000 प्लस की पोस्ट है उसके अंदर भी जो वेटिंग की प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा और उम्मीदवारों को जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार वेटिंग कर रहे हैं दोस्तों इसी सप्ताह में, दोस्तों इसी महीने के अंदर आप सभी को जो है वेटिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों को लेकर तो दोस्तों, वेटिंग के लिए आप सभी को जरा सभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही पूरी होगी और आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एक गुड न्यूज़ निकल कर आ पाएगी। दोस्तों, लगातार जो उम्मीदवार छोड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में जो नॉट सर्टिफाइड कैंडिडेट हैं उन्हें भी इस वेटिंग में शामिल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों जो डाटा है वो पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही NHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर इन चीज़ों को आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे ही दोस्तों फाइल सबमिट होती है
और फाइल सबमिट होने के बाद डिपार्टमेंट द्वारा मीटिंग कर इन प्रोसेस को आगे किया जाएगा और उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि इसके अंदर एक या दो दिन और लिया जाए, क्योंकि जो भी डॉट पॉइंट है उस पर कार्य चल रहा है और वो कार्य पूरा होने के बाद ही जो NHM है वो लिस्ट जारी कर देगा, पर जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसे डिले कर सकता है। दोस्तों अभी तक के लिए ये अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई और अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया गया। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।